नमस्कार, स्वीटीज किचन में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम बनाना स्टार्ट करते हैं सूजी की बर्फ़ी। तो मार्केट में काफ़ी तरीके की बर्फ़ी आपको मिल जाएंगी। तो एकदम इजी तरीके से हम ये सूजी की बर्फ़ी घर पे किस तरीके से बनाते हैं। तो लिया है मैंने 200 ग्राम सूजी, साथ ही लिया है मैंने 7-8 बाद काजू जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, साथ ही 4-5 मैंने लिए हैं बादाम, 2 चम्मच लिया है मैंने घी, 2 चम्मच लिया है मैंने मिल्क पाउडर, और जितने मैंने सूजी ली है उससे थोड़ी सी कम, यानी 1 कप मैंने सूजी लिया था तो 3/4 कप मैंने चीनी ली है, साथ ही लिया 1/2 कप मैंने पानी, और 1/4 चम्मच लिया है मैंने इलायची पाउडर। तो बनाना हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ये सारा सामान आपको घर में मिल जाएगा और उसी से हम बनाने वाले हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं हो तो आपको अपने घर में कोई भी कटोरी या कप सेट कर ले, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेजरमेंट बना ले। गैस पे रख दिया मैंने कढ़ाई, इसमें डाल लेते हैं हम घी, और घी को हम मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद हम गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रखना है, और उसी पे हमें सेकना है सूजी को, नहीं तो हमारी सूजी का कलर है वो डार्क हो जाएगा। देखिए घी हमारा एकदम मेल्ट हो चुका है, तो अब इसमें डाल देते हैं हम सूजी, और सूजी को हम सेक लेते हैं। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसका, हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ही रखना है। आप इसे इस दिवाली पे ज़रूर ट्राई कीजिए और बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बर्फी बनती है और जल्दी ही बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ऐसा कोई सामान भी हमारे पास सारा सामान रहता है, ऐसा कोई सामान नहीं होता जो हमें बाहर से ज़रूरत पड़े, तो इजीली आपको घर में मिल जाएगा, और मार्केट से रिजनेबल रेट में आप बिना मिलावट की मिठाई घर पे बना सकते हैं। और इसे बना के आप 1.5 से 2 महीने तक रख सकते हैं, तो आप पहले भी बना सकते हैं या फिर बाद में बनाएंगे तो आपकी लेट तक चलेगी, तो इसलिए ज़रूर ट्राई करें इसको घर पे आप। तो इसे चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए सूजी से हमारे भुनने की खुशबू है वो आने लग गई है। तो देखिए सूजी भी हमारी खिली खिली दिखने लग गई है, तो बस थोड़ा सा और सेकना है हमें। आधा मिनट और सेक लेते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सिक जाए। तो देखिए लगभग 10 मिनट हमने सूजी को भून लिया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं, नहीं तो इसका कलर है वो डार्क हो जाएगा। तो देखिए सूजी को मैंने निकाल लेती हूँ। तो मैं वही बर्तन का यूज कर रही हूँ। अब इसी में बनाने वाले हम शुगर सिरप, तो इसमें डाल देती हूँ मैं चीनी, साथ ही डाल देती हूँ पानी, और इनको कर लेते हैं मिक्स जब तक चीनी है अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए तब तक। और हम साइड में कर लेती हूँ मैं घी से ग्रेस थाली को, जिस भी थाली में या बर्तन में आपको बर्फी को सेट करना है। थाली को कर लिया है मैंने घी से ग्रेस, और इधर हमारे पानी में भी उबाल आ चुका है, तो इसमें डाल देते हैं हम इलायची पाउडर। और साथ ही डाल देते हैं हम मिल्क पाउडर भी, और इसमें मिक्स कर देते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपसे इस तरीके से मिक्स नहीं होता, तो आप इसको पानी में थोड़ा सा पानी ले 2-3 चम्मच, और उसमें आप मिक्स कर ले, उससे भी आपका अच्छे से। तो देखिए मिल्क पाउडर को अच्छे से हमने चलाते हुए मिक्स कर लिया, और शुगर भी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब इसमें डाल देते हैं जो सूजी हमने भुनी थी वो, और इसको हम और पका लेते हैं, तब तक एकदम जमने लायक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती तब तक। तो इसे इस तरीके से हमें चलाते रहना है। मिल्क पाउडर भी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो आप ना डालें। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा, इस बर्फ़ी का टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और एकदम मावे जैसा टेस्ट इसमें आने लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने मिल्क पाउडर का यूज किया है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस दिवाली पे इसे,
और बना के देखें कैसे बनी और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए लगभग बर्फी हमारी पक चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं हमने जो काजू लिए थे वो, और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब हमारी बर्फी अच्छे से हमारा पैन छोड़ने लग जाएगी तब तक हमें इसे पकाते रहना है। ये बर्फी हमारी एकदम जमने लायक कंसिस्टेंसी में आ गई है और एकदम पैन भी छोड़ने लग गई है। तो इसे हम जिस प्लेट में सेट करना है उसमें हम निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ। तो बर्फी का जो मिक्सचर है उसको मैंने निकाल लिया प्लेट में। अब इस पे डाल देते हैं हमने जो काजू की कतरन ली थी वो, और सेट करके छोड़ देते हैं इनको। बहुत जल्दी सेट हो जाती है 15-20 मिनट बाद। तो इसको हल्का सा प्रेस कर देते हैं इस तरीके से ताकि अच्छे से सेट हो जाए और निकले ना। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरीके से चेक कर ले, थोड़ा सा डोले के इस तरीके से रोल करके देख लें, एकदम रोल हो रही है तो आपकी बर्फी वो इजीली सेट हो जाएगी। तो देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, हमारी बर्फी है वो सेट हो चुकी है। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, हमारी बर्फी हो चुकी है सेट और इसके हम कट कर लेते हैं पीसेस। पीस आप अपने अकॉर्डिंग कर ले, छोटे बड़े जैसे भी चाहें वैसे। तो हमारी सूजी की बर्फी एकदम हो गई है बनके तैयार। आप ज़रूर ट्राई करें इसे बना के देखें। तो मैं निकाल के दिखा देती हूँ एक पीस। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फी बनके तैयार हुई है। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फी हुई है बनके तैयार। अगर आपको ये सूजी की बर्फी बनाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।